फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का
प्रयास करते हैं और वो हिस्सा फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी छह लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी छह लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी
और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी
छह लूजर्स की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैंपियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है, फिल्म की कहानी छह लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैंपियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम
कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फरा खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फरा खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और
यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे।
इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं, जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे। और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं, और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं, और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में, और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी, और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं, जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे। और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं, और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं, और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में, और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म
कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नजर आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है, फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी एंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक
कॉमेडी, एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फरा खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी, एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फरा खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से
शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में
वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है, फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है, फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह,
सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं।
इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती है। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है
जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म
रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं, जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, दीवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं, जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग
जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं, जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे। फिल्म रिव्यू की और एक नई शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। अगर आप शाहरुख खान के सच्चे फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं हैं तो नहीं कीजिएगा। आज की इस वीडियो में, मूवी रिव्यू की इस वीडियो में हम हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के फैक्ट और कहानी के बारे में आपको बताएंगे, साथ ही इसके लीड रोल में कौन कौन से एक्टर्स हैं उनके बारे में और इस फिल्म की कहानी जो कि जोरों शोरों से पर्दे पर उभर कर आई है उसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण इंटरटेनिंग जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैप्पी न्यू ईयर फिल्म रेड चिली एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित बॉलीवुड एक्शन कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन फरहान खान ने किया है, फराह खान ने, तथा इसके निर्माता गौरी खान हैं। इसके मुख्य कलाकार शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, बोमन ईरानी, विवान शाह, सोनू सूद, जरा सेन और जैकी श्रॉफ हैं। यह यशराज फिल्म के द्वारा दुनिया भर में वितरित की जाएगी। इसी के साथ मैं बता दूं कि फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि फिल्म जो है वो काफ़ी इंटरटेनिंग रहती है, एक कॉमेडी एक्शन और काफ़ी मज़ेदार फिल्म होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसी के साथ यह फिल्म कई कड़ियों के साथ आपको देखने को मिलेगी और एक अच्छी खासी लोगों के साथ इसके रिव्यू भी देखने को मिले थे। इसके लीड रोल में शाहरुख खान हैं, जो कि एक अच्छे भूमिका में नज़र आएंगे और यह मूवी काफ़ी अच्छी भी हिट साबित हुई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि शाहरुख खान की कोई भी फिल्में एकदम कतई जहर होती हैं। यह चारों डांसरों की कहानी है। फिल्म की कहानी 6 लूजर्स की है, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सके हैं, लेकिन अब वह खुद को विजेता साबित करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए वह एक बड़ी और बेहतरीन मुश्किल चोरी का प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत वो वर्ल्ड डांस चैम्पियन में हिस्सा लेने का प्रयास करते हैं और वो हिस्सा ले भी लेते हैं। इस मूवी को देखकर आप काफ़ी इंटरटेन होंगे।